These are my Bose speakers, the bookshelves, which are connected to my Technics Stereo Integrated Amplifier SUV707. This is one of the best amps, I would say, in the budget section that came in the really late 80s. और इंडिया में ये एम्प बहुत सक्सेसफुल हुआ था। ये मेरा एक बैकअप एम्प है जो मैं कभी कभार व्हेन डिजिटल म्यूजिक सुनने का मन हो या स्ट्रीमिंग म्यूजिक सुनने का मन हो तो मैं इसे कभी कभार यूज़ करता था। बट somebody came to know about it, I told about this amp that this is available for sale and it was purchased by that gentleman. So presenting to you my Technics Stereo Integrated DC Amplifier SUV707. बहुत ही शानदार एम्प है ये, काफ़ी भारी है और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, आई मीन जस्ट 3 or 4 months back, मैंने इसके कैपेसिटर्स वगैरह चेंज किए थे। पीछे का स्पीकर पोर्ट वगैरह बिल्कुल नया डलवाया था और ये वॉल्यूम कंट्रोल नॉब वगैरह भी मैंने सारा कुछ चेंज करवाया था। Not because they were not working, but just because I wanted that to function in a perfect manner. And this is how this cute little setup looks. इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि आपको इसके अंदर एक फोनोग्राफ सिलेक्टर है। जब आप इसको प्रेस कर देते हैं, तो ये मूविंग कॉइल को मतलब it can take a moving coil cartridge. If you depress it, it's ready for moving magnet. तो इस एम्पलीफायर के साथ आप दोनों ही तरह की कार्ट्रिजेस का मज़ा ले सकते हैं, चाहे मूविंग मैग्नेट हो या मूविंग कॉयल हो। और मैंने इसमें बहुत लो आउटपुट की मूविंग कॉयल भी चला के देखी है, जो बहुत अच्छी चलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हैज़ गॉट वेरियस इनपुट्स, यू कैन कनेक्ट एन ऑक्सिलरी और CD टू दिस, यू कैन कनेक्ट अ ट्यूनर, अ टर्न टेबल, अ कैसेट डेक, अनदर कैसेट डेक। सो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 इनपुट्स हैं इसके अंदर। और इसके अलावा ये आपका RCA सिलेक्टर है फॉर डबिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो इफ़ यू आर यूजिंग द फोनो सेक्शन, देन द फोनोग्राफ से जो साउंड सिग्नल्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। डेक 1 टू डेक 2, डेक 2 टू डेक 1, उसके बाद ट्यूनर, ऑक्सिलरी, जो मन करे आप उस को यूज कर सकते हैं टू रिकॉर्ड इट डिजिटली और ऑन योर कैसेट डेक मशीन। इसके अलावा इसके अंदर आप 2 स्पीकर पेयर्स लगा सकते हैं, मेन रिमोट एंड मेन एंड रिमोट, दोनों को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और स्पीकर्स यहां से ऑफ हो जाएंगे। नाउ द साउंड विल नॉट गो इन देयर। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। और इसके अलावा आपके पास ये नाइस ट्रेबल और बास कंट्रोल भी है, सबसोनिक फिल्टर, लाउडनेस और म्यूटिंग बैलेंस। तो जब भी आप कोई फ़ोन आ जाए या कुछ आ जाए तो यू कैन जस्ट प्रेस ऑन टू दिस म्यूटिंग थिंग एंड इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम आउटपुट बाय 20 डेसिबल्स। सो दिस इज़ अ ग्रेट फीचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके ये फोनों के लिए इनपुट्स हैं। और अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने ट्यूट्रॉस के ब्लूटूथ डिवाइस से, विच इज़ बेसिकली अ ब्लूटूथ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। और इसमें दिस इज स्विच्ड ऑन एंड इट इज़ पेयर्ड विद माई फोन, सो यू कैन प्ले स्ट्रीमिंग म्यूजिक। द एम्प इज प्रेटी हैवी, लुक्स लाइक 7-8 kgs एट लीस्ट। ये इसका रिवर्स सेक्शन है, आप देखें ऊपर वाला पोर्ट ऑक्सिलरी का है। उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे फोनो के लिए है, इफ़ यू आर प्लेइंग अ टर्न टेबल यू कैन कनेक्ट इट हियर, इफ यू आर यूजिंग अ ट्यूनर यू कैन कनेक्ट इट हियर। टेप रिकॉर्ड आउट, यहाँ से आउटपुट आप ले सकते हैं इस जगह से एंड यू कैन इंसर्ट इट आइदर इनटू योर कंप्यूटर और ऑनटू योर कैसेट डेक फॉर रिकॉर्डिंग। उसके अलावा ये टेप 1 का है, बेसिकली टेप 1 का इनपुट आउटपुट और टेप 2 का इनपुट आउटपुट। सो दिस इज़ अ प्रिटी नाइस एम्प आउट से। ये इसके स्पीकर के पोर्ट्स हैं, यू कैन कनेक्ट 2 पेयर्स एज यू कैन सी। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये जो ओरिजिनल थे वो बड़े कमज़ोर से थे तो बार बार टूट जाते थे, तो आई इंस्टॉल दिस हैवी ड्यूटी यू नो स्पीकर पोर्ट्स। और इसके अलावा आप इसके अंदर ये दूसरी मशीन्स को भी अटैच कर सकते हैं,
मतलब यू कैन पावर अप अदर इक्विपमेंट्स इफ़ यू विश टू। तो इसमें ये देखिए नीचे लिखा हुआ 100 मैक्स विश्ड और टोटल 200 वॉट्स मैक्स, ये एसी आउटपुट्स हैं। तो 220 वोल्ट आउटपुट का कोई भी यूनिट अगर आप जैसे कोई टर्न टेबल को पावर करना चाहते हैं तो आप इसको इसमें अटैच कर दे सकते हैं। ऑल इन ऑल अ ग्रेट एम्प। और ये मेरा बोस का स्पीकर है विच आई हैड परचेज ब्रांड न्यू, सो दिस वर्क्स लाइक अ चार्म विद दिस। नाउ इज द टाइम फॉर सम म्यूजिक। I like this unit very much, and at times when I do not tend to use my Mac and other complicated setup, this is a beautiful setup which can be connected to your CD player, your tape, your tuner, your turntable, and it doesn't matter whether you are using a moving magnet or moving coil cartridge. So that's the way it is, and I hope this video will make it very clear. This item has already been picked up, and from a technical aspect I would like to advise all the viewers कि अगर आप कोई amplifier खोज रहे हैं तो इस तरह का कोई 80s का कोई model आप Technics का चुन सकते हैं for some real great sound. So that's it for today. Add some sizzling hi-hats, add some weirdness with this. So that was for today. और उम्मीद करता हूँ कि ये एम्पलीफायर के जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं आपको पसंद आए होंगे। जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये बताने वाली थी कि ये 80s के जो एम्पलीफायर्स होते थे जैसे टेक्निक्स के, सोनी के, अकाई के, ये जो बजट रेंज में आते थे बहुत महंगे नहीं होते थे, बट स्टिल दे वर वेरी वेरी सेलिब्रेटेड इन दोज डेज। उस ज़माने में भी इनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड होती थी। तो आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू दैट यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ मनी इन द एम्पलीफायर्स एंड ऑल। यू कैन गेट अ बजट एम्पलीफायर इन सम 40-50,000 ऑल्सो फ्रॉम 80s एंड 90s, और खास करके उसका जो फोनो सेक्शन होता था उस समय का, बिकॉज सी वी आर लिसनिंग टू रिकॉर्ड्स, वी वॉन्ट टू लिसन टू रिकॉर्ड्स इन द ओल्ड एनालॉग वे, एंड दैट्स द रीजन वी वॉन्ट टू यूज दोज यू नो यूनिट्स एंड गैजेट्स विच वेयर पॉपुलर इन दोज डेज। Not so good. So I would always suggest you to go with something from the retro era. बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन 80s is a good decade. तो 82, 84, 85, 86 इस years में बहुत अच्छे अच्छे Japanese gears बने थे, जिनमें से मैं आज आपको अपना Technics का मैंने आपको अपना amplifier दिखाया। तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं once in a while साल में 2-4 बार ही इसको यूज़ करता था। तो I decided that I need to sell it off. और जैसे ही मैंने इसको अपने मतलब फ्रेटर्निटी में थोड़ा सा बताया, सो इट वाज इमीडिएटली पिक्ड अप बाय वन ऑफ द व्यूअर्स हियर एंड वन ऑफ अ वेरी वेरी यू नो अपकमिंग आई वुड से म्यूजिक लवर। तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट वगैरह करना शुरू किया है एंड ही पिक्ड इट अप। तो इसी तरह का गियर जिसमें कि फोनो सेक्शन हो, टेप हो, ट्यूनर का एक इनपुट हो, ए और बी दो तरह के पेयर्स आप लगा सकें, तो ये एम्पलीफायर्स जनरली अच्छे होते हैं और अच्छे चलते हैं। अगर अच्छे ना होते तो आज तक सर्वाइव नहीं कर रहे होते। तो मैंने आज जो इसको सर्विस वगैरह कर दिया है तो इट इज़ ऑल गुड फॉर अनदर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एम्पलीफायर, हाउ टू कनेक्ट एट्सेट्रा एंड ऑल, और आई होप यू विल एंजॉय। सो थैंक यू एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।